करते हैं इस गवर्नमेंट, ये जो संविधान है और जो अपनी कानून व्यवस्था है इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जो अपराधी होता है उस अपराधी का मुंह ढक दिया जाता है। किसी ने रेप किया उसका मुंह ढक दिया, किसी ने मर्डर किया उसका मुंह ढक दिया, कोई देशद्रोही है उसको पकड़ा उसका मुंह ढक दिया, आपने चुपचाप उसको फांसी दे दी, दुनिया को पता नहीं चला कि उसने क्या किया, दुनिया को पता नहीं चला कि उसने क्या किया। जो ये इस तरह के कांड है उन लोगों को जो हिंदुस्तान के राज्य हैं, उनकी जो राजधानियां हैं, उन राजधानियों के अंदर इन रेपिस्ट और इन देशद्रोहियों के फोटो हर चौराहे पर लगने चाहिए, और इन पीढ़ियों को जो ये हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको पता होना चाहिए कि ये लोग रेपिस्ट थे और इतने इतने लोगों को फांसी हो चुकी है, ये लोग देशद्रोही थे, ये लोग तिहाड़ जेल में है, इन लोगों को फांसी हुई है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड चौराहे के ऊपर होना चाहिए। और उन लोगों का मुंह मत ढको, उनको पूरी दुनिया को दिखाओ कि इस आदमी ने रेप किया है, इस आदमी ने देश के खिलाफ बोला है, उन लोगों को आप पूरी दुनिया को दिखाओ, उनको मुंह ढकने की उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी से अपराध पे लगाम लगेगी, इसी चीज से अपराध पे लगाम लगेगी कि उन लोगों को चौराहे के ऊपर उनकी फोटो लगाइए, आप हर चौराहे के ऊपर उनकी फोटो लगाइए, और उनको ऐसी सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस लड़की का रेप करके अगर उस लड़की का मर्डर हो गया है, वो लड़की खत्म हो चुकी है, तो वो लड़की खुद तो जिंदा होकर अपने स्टेटमेंट देगी नहीं। अगर पुलिस 4 या 6 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम वगैरह ले लेती है, उसके बाद में उस बंदे को बिठाया क्यों जाता है? 7 साल से निर्भया के अपराधी हैं, वो जेल के अंदर पड़े हैं, कुछ 2 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, लेकिन निर्भया के अपराधियों को अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुई है, किसी को भी फांसी नहीं हुई है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग किसी भी चीज से डरते नहीं है, किसी भी चीज से नहीं डरते। तो मैं यहाँ जयपुर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस संविधान के अंदर आप बदलाव कीजिए, इस संविधान के अंदर जो लूप पॉइंट्स हैं, ये संविधान उस समय के हिसाब से लिखा गया था, आज जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहे हैं, इन अपराधों के ऊपर लगाम लगाने के लिए आज के हिसाब से संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कीजिए कि अपराध के ऊपर लगाम लगे। एक पॉइंट ये है मेरा, और दूसरा पॉइंट ये है कि आज के टाइम में, आज के समय के अंदर जो ये आतंकवाद, इसको मैं बौद्धिक आतंकवाद बोलूंगी, अभी मैं एक बात और बोलूंगी, ये एक बौद्धिक आतंकवाद है। बौद्धिक आतंकवाद कैसे है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, आपने मेरे पहले भी लाइव देखे होंगे, मेरी ज़्यादातर जो मेरी आइडियोलॉजी है उससे आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम ने हिंदू को बिल्कुल ही लाचार, विवश और बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है। बस हिंदू सिर्फ एक बात सोचता है कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन उसके आगे की जो लाइन है वो शायद हिंदू भूल जाता है। आप एक बात याद रखिए, एक बात आप अपने फिर से आप सोचिए कि हमारे जितने हिंदू देवी देवता हैं उनके सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार है, मतलब अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जब माँ दुर्गा ने हथियार उठाए, भगवान श्री राम ने धनुष उठाया, तो फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सरकार को गाली दे रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं, हम व्यवस्था को गाली दे रहे हैं, हम संविधान को कोस सकते हैं, हम लोकतंत्र को कोस सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? ये चीज भी अब सोचनी पड़ेगी, और एक बात और है, ठीक है, आप लोगों के कोई कुछ सजेशन है तो आप बताइए। और सबसे ज्यादा जो अपने को जरूरत है ना, जो मेरा तीसरा पॉइंट है, एक जन जागृति की आवश्यकता है, लोगों के अंदर जागृति होनी चाहिए। आप चाहे 2 लोग खड़े हैं, आप लोग 4 लोग खड़े हैं, आप लोग चाहे 10 लोग खड़े हैं, आपस में डिस्कशन कीजिए, आप एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे को क्या प्रॉब्लम चल रही है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आज का जो सिस्टम है उस सिस्टम ने लोगों को बिल्कुल अकेला कर दिया है। लोग या तो टीवी देखते हैं, या मोबाइल हाथ में रखते हैं, या अपने ऑफिस जाते हैं, या अपने घर पे रहते हैं, या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब लोगों को एक दूसरे की लाइफ में, मतलब कुछ लोगों को तो इंटरफेरेंस ही पसंद नहीं है। एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को ये पता नहीं होता कि इस पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम क्या चल रही है। लोग एक दूसरे से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, और ये भी एक प्रॉब्लम है समाज की। इस कारण एक घर में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो पड़ोसी से अगर कोई पूछे तो उसको ये भी पता नहीं होता कि इसके घर में ये क्राइम हुआ, क्यों हुआ। इसलिए जो पहले सिस्टम था, लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, इनफैक्ट थोड़ी बहुत तो आप लोग बातचीत कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना।